सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए और कहा कि भाजपा जो कर रही है वह सिर्फ कोर्ट की अवमानना नहीं है बल्कि संविधान का भी उल्लंघन है, इसलिए सीपीएम ने आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला किया है। इस तरह से आपके साथ अब एक और पार्टी जुड़ गई है जो कि आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ममता बनर्जी से मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने, 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ, और एक तरह से देखें ये कंटेंट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। सीपीआई ये हम प्रतिबद्ध हैं। तो हमारी अपील सबसे है, खासतौर से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस कि आप आइए यहाँ पर सब मिलकर हम जो है संविधान की रक्षा करें, और जो इस संविधान को उल्लंघन की बात छोड़िए, इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं इस तरीके से, उनके खिलाफ जुटकर मुकाबला करें।